हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिनेश सर आईटीआई। और एक और नया इन्फॉर्मेशन आ चुकी है यहाँ पे आईटीआई के एडमिशन के संबंध में। क्योंकि यहाँ पे जो एडमिशन आईटीआई के एडमिशन थे वो यहाँ पे एंड हो चुके थे, लेकिन उन एडमिशन को यहाँ पर पुनः यहाँ पर चालू कर दिया गया। देखिए यहाँ पे आपको बता दूँ मैं, जो डेटा यहाँ पर जारी हुआ है, आपका जो डेटा जारी कर दिया 29 सितंबर को, यहाँ पर ये नोटिस यहाँ पर जारी हुआ है और ये प्रवेश के संबंध में यहाँ पर जारी हुआ है। आपका जो प्रवेश होने वाले हैं वो होंगे पहले आओ पहले पाओ, इसके तहत आपके प्रवेश होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग कब से कब तक प्रवेश होना वो आप लोग यहाँ पर देख लो। तो यदि आप लोगों ने अभी तक प्रवेश नहीं लिया या आप लोग अभी मालूम चला है या आपको किसी कारण से सीट नहीं मिल पाई जो आपको चाहिए थी, तो अब आप इस जो रहेगा पहले आओ पहले पाओ राउंड, इस राउंड में जिस स्ट्रेट में जिस कॉलेज में जो सीट खाली होगी जिस भी स्ट्रेट में आप लोग वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देखिए जो डेट रहे एडमिशन की, तो 29 सितंबर से यहाँ पर जो प्रारंभ हो चुका है पोर्टल, और आपके पास 10 अक्टूबर तक आप लोग यहाँ पर प्रवेश यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर खोल दिया आप लोगों के लिए, यहाँ पर यानी 10 दिन का आपको लिए टाइम यहाँ पर मिलने वाला है। तो ऐसे आवेदक जिन्होंने प्रवेश नहीं लिया वो यहाँ पर ले सकते हैं प्रवेश आईटीआई में जाकर। ठीक है, वहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और बाकी प्रोसेस आपकी वही रहेगी जो पहले आप पहले पावर राउंड पहले पावर राउंड में थी, वही की वही यहाँ पर रहने वाली है। यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं क्या निर्देश निकल कर आए हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग कि जो आरक्षित सीटों की जो जानकारी है वो 29 सितंबर को पोर्टल पर देख आप लोग देख सकते हैं कि किस आई टाइप किस स्टेट में कितने पद जो आपके स्टूडेंट के रखते हैं। ठीक है, वो आप लोग यहाँ पर देख लेना, और जो प्रवेश की प्रक्रिया वो यहाँ पर चालू की जाएगी। ठीक है, शासकीय अवकाल को छोड़कर, और यहाँ पर जो कैंडिडेट रहेंगे वो नवीन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, चॉइस फिलिंग कर सकेंगे, या त्रुटि में कुछ त्रुटि हुई हो उसमें भी यहाँ पर सुधार कर सकेंगे। ठीक है, दूसरा है जो कैंडिडेट रहेंगे वो किसी एक आईटीआई में किसी एक ट्रेड के लिए चॉइस कर सकेंगे। ऐसा नहीं को आपको एक साथ एक ट्रेड में चॉइस कर लें, आपको सिर्फ एक ही आईटीआई में एक ही ट्रेड में आपको चॉइस यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर समस्त सजेस्टर कैंडिडेट को प्रवेश हेतु चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य हो, जिन लोगों ने पहले सजेस्टर कर चुके हैं उन लोगों को यहाँ पर चॉइस फिलिंग करना रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखें, और चॉइस फिलिंग में आपकी जो आप लोग जांच लें सीटों की जानकारी है, बाकी आपको जो पेमेंट वो भी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चालू कर दी गई है, आप लोग 10 अक्टूबर तक यहाँ पर कर सकते हैं, और इसके पश्चात आप लोग का यहाँ पर जो एडमिशन है बहुत 10 अक्टूबर तक आपका कर दिया जाएगा। तो जिन भी आवेदन करना वो कर सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब। ओके दोस्तों, थैंक यू।